अजनाला विखे करीब 8 महीने बाद खुले कॉलेज अंदर फिर दोबारा तो रौनक लगनिया शुरू हो गई ने। पिछले कई महीनों तो बंद पे कॉलेज अंदर कोरोना तो बचाव लई खास इंतजाम किए गए ने। बच्चों के अंदर आने ते सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस मौके कॉलेज के विद्यार्थियों ने कहा है कि उन्होंने बहुत खुशी है कि हुण वह कॉलेज आएंगे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई समय बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पैंदा सी। उन्होंने कहा है कि सरकार वालों यह फैसला बहुत पहला ही ले लेना चाहिए सी क्योंकि जेकर शराब के ठेके खुल सकते हैं तो कॉलेज क्यों नहीं। लग रहा है 8 महीने बाद कॉलेज ओपन हुए हैं, सो बहुत बढ़िया लग रहा है। हुण रेगुलर स्टडी होएगी, सो खुशी भी बहुत है कि हुण रेगुलर स्टडी होएगी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सर बहुत आईया सीगे नैटवर्किंग प्रॉब्लम सीगे, कई रूरल एरिया से रेंदे सीगे जिन्हां नूं नैटवर्क बहुत प्रॉब्लम हुंदा सीगा। एंड कई बार तो लिंक्स जो मैम लिंक्स भेजते सीगे वो भी ओपन नहीं सी हुंदे जिहदे करके कई क्लासेस मिस हो जांदियां सीगियां, इसलिए ये सारे इशूज हुए। ये तो बहुत गलत किया सरकार ने सर, जे सारा कुछ खुल सकता तो कॉलेज भी खोलने चाहिए सी क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हुई है। सो किन्ने चिर दे उहदा खुल गए ने, उन्होंने 4-5 महीने हो गए ने मे बी, सो ये भी खोल दिते जाने चाहिए सीगे। मैं सुखिंदर सिंह, मैं ये कहना चाहता हाँ कि कॉलेज बहुत वधिया लग रहा है जो कॉलेज हुए तो चालू हुए हैं, तो मैं आस करता हाँ टीचर सारे विद्यार्थियों को चंगी चंगी पढ़ाई कराएंगे। तो जो पेपर जो बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो दिसंबर जनवरी पैर हो रहे हैं, तो मैं आस करता हाँ सारे बच्चे पास होंगे तो चंगे मार्क्स करेंगे। मैं ये कहना चाहता सर, मैं मिडल क्लास में बिलोंग करना, तो बहुत सानू बॉर्डर एरिया में रह रहा हूँ, मेरा पिंड बलड़वाल है, तो मैं नैटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर, तो कई बच्चों को फोन भी नहीं है, इस करके मैं कहना चाहना कि सर बस हाँ मैं आस करदा कि होर खुलने चाहिए, सारे बच्चों पढ़ाई बहुत खराब हो रही है, तो मैं आस करना हाँ कि 8 महीने बाद कॉलेज डे शुरू होया, तो जिमें साड़ियाँ क्लासिस बहुत पिछले पै गई सी, उन्होंने उम्मीद है कि सारे टीचर साड़ियाँ क्लासिस कवर कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी। साढ़े पेपर की भी तैयारी जो कि नज़दीक आ सुन चाह रहा है कि दिसंबर जनवरी साढ़े पेपर भी आ जाने, सो बहुत वधिया लग रहा कि साढ़े कॉलेज शुरू कर दिए गए। ऑनलाइन जिमें साडा नैटवर्क इशू आ रहा है, होर भी बहुत सारे डिस्कस जिमें टीचर के नाल करनी होंगी अपनी प्रॉब्लम्स वो भी नहीं हो पाती सी। एक साडा बॉर्डर एरिया जिस विच नैटवर्क का बहुत इशू आ, कई स्टूडेंट्स को मोबाइल फोनस नहीं सके जो अपनी क्लासिस नहीं लगा पा रहे थे, तो हम जिहड़े भी कॉलेज बच्चों को मोबाइल फोन नहीं सी वो भी अपनी क्लासिस लगा सकते कॉलेज में आके। इस मौके कॉलेज के प्रिंसीपल ओम प्रकाश ने कहा है कि उन्होंने वालों सरकार दी हदायतों अनुसार हर तरह के प्रबंध कर ले गए ने, किसी भी विद्यार्थी को कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। 21 मार्च तो बाद मतलब लास्ट जरा कि 20 मार्च तक मतलब जो कॉलेज खुले से, उस तो बाद कॉलेज जरा कि हम दोबारा मतलब जो कि रीओपन किए गए हैं, तो विद्यार्थियों के स्टाफ के मतलब काफ़ी उत्साह है क्योंकि विद्यार्थियों जो समस्यावान जो कि ऑनलाइन क्लासिस फेस कर पै रही सन या अध्यापकों भी, क्योंकि साडा जो इलाका है मतलब सरकारी कॉलेज अजनाला एक बड़े ही रिमोट एरिया मतलब कि रूरल बैकग्राउंड मतलब कि बच्चे है मतलब कि, तो उन्होंने जोड़े कि ऑनलाइन क्लास खास करके नैटवर्क की प्रॉब्लम जोड़े कि सामना ज्यादा करना पै रहा है जो कि हूँ मतलब क्लासा लगन के नाल मतलब कि वह समस्या दूर हो जाएगी। अजनाला तो प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। हुण विदेश जाने का सुपना देखण वालियां लई एब्सोल्यूट ओवरसीज ने खोले दरवाजे, कीता वड्डा ऐलान, कहिंदे 80% नंबर वाले स्टूडेंट्स कोलों नहीं लिया जाएगा एक भी रुपया, वीजा देवांगे 100% फ्री, इको छत थले करो आइल्स अते लगवाओ वीजा। एब्सोल्यूट ओवरसीज वाले पंजाब विच पहले जिहे कंसल्टेंट जो छाती ठोक कर रहे चैलेंज। जेकर तुसी एजेंटा दे चक्कर कट कट पैसे खराब कर चुके हो तो एब्सोल्यूट ओवरसीज SCO 4 हांडा सिटी सेंटर ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा पहुंचो, क्योंकि इन्हों का एको एक असूल पहला वीजा ते फिर पैसे। ज्यादा जानकारी लिए संपर्क करो 98881 98882 99887 24546 79997 00001।